ये एक कानपुर से भी रिपोर्ट आई है शाम को 5 बजे सीएमओ कानपुर की कि अब हमारे जनपद का मिश्रा कॉलोनी शुक्लागंज का रहने वाला राजेश नाम के व्यक्ति 50 साल का, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लाल बंगले कानपुर में धागा फैक्ट्री में काम करते थे। ये इलाका वही जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, वही जहाँ से केसेस शुरू निकलना शुरू वही इलाका है। 13 तारीख को कानपुर की टीम ने इनके सैंपल धागा फैक्ट्री से ही लिया था, कानपुर में ही सैंपलिंग हुई थी। आज शाम को रिपोर्ट आई जो धनात्मक आई है। मरीज को हम लोग जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में मच्छरदानी बेड में शिफ्ट करा रहे हैं और कल हमारी टीम वहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। हम 400 मीटर रेडियस में हम वहाँ पे सोर्स रिडक्शन करेंगे, एंटीलॉज छिड़काव करेंगे। फॉगिंग आज ही हो रही है, एंटीलॉज छिड़काव हो चुका है, कल हम सोर्स रिडक्शन करेंगे और वहाँ पे जो भी फीवर केसेज होंगे सबकी सैंपलिंग करेंगे। ये एक कानपुर से भी रिपोर्ट आई है शाम को 5 बजे सीएमओ कानपुर की कि अब हमारे जनपद का मिश्रा कॉलोनी शुक्लागंज का रहने वाला राजेश नाम के व्यक्ति 50 साल का, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लाल बंगले कानपुर में धागा फैक्ट्री में काम करते थे। ये इलाका वही जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, वही जहाँ से केसेस शुरू निकलना शुरू वही इलाका है। 13 तारीख को कानपुर की टीम ने इनके सैंपल धागा फैक्ट्री से ही लिया था, कानपुर में ही सैंपलिंग हुई थी। आज शाम को रिपोर्ट आई जो धनात्मक आई है। मरीज को हम लोग जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में मच्छरदानी बेड में शिफ्ट करा रहे हैं और कल हमारी टीम वहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। हम 400 मीटर रेडियस में हम वहाँ पे सोर्स रिडक्शन करेंगे, एंटीलॉज छिड़काव करेंगे। फॉगिंग आज ही हो रही है, एंटीलॉज छिड़काव हो चुका है, कल हम सोर्स रिडक्शन करेंगे और वहाँ पे जो भी फीवर केसेज होंगे सबकी सैंपलिंग करेंगे।